फ्रेंड्स, सर्कट ट्रेडर्स में फिर से आपको स्वागत है। संडे सैटरडे दो दिन छुट्टी, इस छुट्टी के बीच में हमें ये टाइम जरूर निकालना चाहिए कि हमें होल्डिंग पर्पस, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ परसेंटेज हमें होल्डिंग पर्पस जरूर रखना चाहिए। और उसी का मकसद लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक के ऊपर बिल्कुल ही रहता है। मैं ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया हूँ, क्या इसका पीछे कारण है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कनाडा बैंक स्टॉक क्लोज एट 156, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 156 में ये क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और इसको सिलेक्ट करने का जो मेन वजह है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेन वजह ये है कि स्टॉक 52 वीक का जो लो बनाया था वो लो बनाया था 25 सितंबर 2020 में, राइट 25 सितंबर 2020 में इसने लो बनाया था। और उसके बाद से इसमें अच्छे खासा रैली इसके अंदर दिखाई देने को मिला है। एंड 52 वीक जो हाई इसमें दिखाई दिया गया है वो 52 वीक हाई जो यहाँ पे है 174, राइट 174 जो कि 18 फेब्रुआरी को बनाया था। तो अभी जो सिचुएशन है इसको अगर ऑन वीक का चार्ट से हम अगर देखा जाए तो ऑन वीक का चार्ट में क्या स्थिति दिखाई दे रहा है, तो ऑन वीक के चार्ट में दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 वीक तक हमने एक रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि इस हाई के ऊपर चलना शुरू होगा तो हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो वीकली चार्ट में हमें ये स्टॉक एक एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इसको ब्रेक करने के बाद जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद हमें बाइंग करना चाहिए नियर अबाउट 160 को ब्रेक करे तो इसको बाइंग करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म पे इसमें फिर से अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। वीकली चार्ट में हम देख पा रहे हैं ये क्लियर ट्रायंगल पैटर्न बना है, इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद ये अच्छा खासा मोमेंटम आपको देना चाहिए। एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न जो इसको देना चाहिए मिनिमम 5% रिटर्न आपको आराम से देना चाहिए। एंड थोड़ी देर अगर होल्ड करेंगे तो 200 तक का भी लेवल इसको शॉर्ट टर्म में आपको दिखाई दे सकता है, राइट। इसमें 200 मूविंग एवरेज जो क्रॉस किया था, 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया था 140 लेवल पे, एंड अभी ये चल रहा होगा 156। तो यहाँ पे हमने बाइंग के लिए सजेस्ट करेंगे कि इसको आप बाइंग कर सकते हैं अबव 160 बाइंग लेवल। स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे होगा आपको, स्टॉप लॉस लेवल इस स्टॉक के लिए होगा 140। एंड टारगेट जो रहेगा इस स्टॉक के लिए आपको टारगेट रहेगा 175। मतलब अच्छा खासा रिटर्न का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मिनिमम 5% रिटर्न लेने के बाद ही आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कीजिए, राइट। हमारा सेकेंड स्टॉक जो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है स्कॉट, एक बहुत ही बढ़िया चार्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफी दिनों से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर बना हुआ था, अब ये रेंज को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्लियरली इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, किस लेवल के ऊपर, तो हम बाइंग करेंगे 70 to 75, बेटर बाइंग होगा आपको 80 लेवल के ऊपर ब्रेक होने दो, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने दो, आप इसके ऊपर बाइंग करो। ओके, इसके ऊपर बाइंग करो शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे इसको आपको 10% रिटर्न दिखाई दे सकता है, 10% रिटर्न दिखाई दे सकता है। तो हमने क्या करना है, 5% बेस पे हमने प्रॉफिट बुक करना शुरू करना है। देखो अगर एवरी मंथ आपको 5% रिटर्न मिल रहा है तो आई थिंक एक बेटर रिटर्न है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि वन मंथ का टाइम इसमें लगना चाहिए, आपको इसमें 1 या 2 वीक के अंदर 5% रिटर्न देना चाहिए। वन मंथ तक अगर यहाँ पे होल्ड करेंगे तो आई थिंक ये आपको 10% तक रिटर्न दे सकता है। तो हम इसके ऊपर बाइंग का सलाह देंगे, इस लेवल के ऊपर नियर अबाउट इस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं स्टॉक को, 1250 के आसपास भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी होने का चांसेस दिखाई देगा तभी आप बाइंग कीजिए। ओके, 1250 में हम बाइंग का सलाह देते हैं एंड टारगेट देते हैं यहाँ पे 1400 रुपये का टारगेट देंगे। शॉर्ट टर्म पे टारगेट है ये, ओके, नो वीकली नो मंथली, शॉर्ट टर्म पे टारगेट है। बट अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म पे अगर निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5%, 7%, 10% यहाँ पे पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुक करना शुरू कीजिए, राइट। थर्डली मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या मेंशन करेंगे, आप स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करना चाहिए हर एक स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कब क्या आ जाता है किसको नहीं पता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मेंशन करेंगे 1200 का, 1200 के स्टॉप लॉस के साथ हमने 1400 का टारगेट के लिए हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लास्टली जो मैं स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा टाटा पावर को आप देखेंगे एक अच्छी खासी न्यूज के साथ ये चल रहा होगा और कंटिन्यू एक अप मूवमेंट पे है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रहा है, तो बॉटम साइड का जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है आपको इस लेवल पे दिखाई दे रहा है, यानी कि या तो हमें बॉटम पे आने दीजिए 130 पे, अदरवाइज आप
35 के ऊपर इसको बाइंग कीजिए, 135 के ऊपर बाइंग कीजिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिए यहाँ पे, आपको मैं स्टॉप लॉस रखने के लिए सजेस्ट करूंगा 125, राइट 125 स्टॉप लॉस के लिए सजेस्ट करूंगा। टारगेट के लिए 150 एंड 200 विद इन सिक्स मंथ। ओके, तो आई थिंक ये तीन स्टॉक मैं यहाँ पे सजेस्ट किया हूँ। अगर आप अगर कुछ परसेंटेज ऑफ हिस्सा आपका होल्डिंग स्टॉक पर्पस रखना चाहते हैं तो इन स्टॉक के ऊपर थोड़ी थोड़ी हिस्सा आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारा ये सीरीज एंड सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक अपने वीडियो को देखे होंगे यानी कि आप होल्डिंग पर्पस स्टॉक्स चाहते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक बटन दबाने में भूल मत जाइए। ओके, ताकि हमें समझ में आएगा कि कितने लोगों का ऐसे टाइप का वीडियो पसंद है एंड ऐसे टाइप का वीडियो एवरी वीक बनना चाहिए। तो आप लोगों का कमेंट्स ही हमें ईंधन जुगाएगा, हमें उत्साह जुगाएगा कि हर वीकली मैं आप लोगों को इस टाइप का एक या दो स्टॉक लाऊं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।